और मैं अभी आपके सामने केवल बदलाव की तस्वीर पेश करता हूं। पहले तो ये भारत के कांग्रेस की 48 साल का एक फैमिली का रूल रहा है, 48 ईयर्स बनाम 48 महीने मोदी सरकार। और इसमें फर्क यह है कि कांग्रेस के 48 साल में हर बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, आरोप साबित भी हुए, कुछ जेल में भी गए। लेकिन मोदी सरकार में महत्व यह है कि 48 महीने भी विपक्षी दल भी एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए। दिस इज ए गवर्नमेंट विथ ए मिशन, नॉट विथ कमीशन। ये सरकार एक मिशन के तहत आई है, कमीशन के लिए नहीं आई है। और मुद्रा योजना से 12 करोड़ लोगों को 6 लाख करोड़ का ऋण मिला है और बिना गारंटी का मिला है। और इसमें अभी एक स्टडी हुआ, उसमें सामने आया कि लगभग 4 करोड़ नए रोजगार खुले हैं, जिनका पहले ही दुकान था और थोड़ा बड़ा किया वो छोड़ दो, जिन्होंने साहूकार से पैसा लिया था, बैंक से लिया वो छोड़ दो, 4 करोड़ नए उद्योग लगे हैं। किसी ने स्त्री का दुकान चलाया, किसी ने छोटे कपड़े का दुकान चलाया, किसी ने पान का दुकान लगाया, किसी ने कुछ भी लगाया, लेकिन खुद के स्वाभिमान से वो कमा रहा है। और कांग्रेस वालों ने पकोड़ा वाला कहकर गरीब का अपमान किया है, गरीब का अपमान किया। बेनामी संपत्ति कानून कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन उसके नियम ही नहीं बनाए थे और इसलिए वो कभी लागू ही नहीं हुआ था। आज हमने बेनामी कानून भी बनाया, 3 कानून बनाए काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब हम भ्रष्टाचार के और 2 कानून करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस रोक रही है क्योंकि उनको समझ में आने लगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून करते जा रहे मोदी जी तो हम ही फंसेंगे, और इसलिए वो अब विरोध कर रहे, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे।